अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आज मैं आपके अपने चैनल साफ जिंदाबाद में आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है जी। तो प्यारी बहनों, मैं अपनी बहनों का टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। टाइम ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है मेरे बहनों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हमने लेना है 1 किलो भुट्टा, फिर हमने लेने हैं 4 अदद टमाटर, हमने लेना है एक पैन में कुकिंग ऑयल 1 प्याली। इसके बाद हमने इसमें टमाटर पेस्ट फ्राई करनी है हल्की सी। इसके बाद आपने काली मिर्च कुटी इसमें ऐड करनी है। इसके बाद आपने नमक ऐड करना है, इसमें दोबारा से हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद आपने इसमें भुट्टा ऐड करना है। भुट्टा आपने अच्छी तरह साफ करना है। भुट्टा ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 गिलास पानी का डालना है। फ्रेश पानी होना चाहिए आपका, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने इसको मिक्स करके दम पे रख देना है। तकरीबन 30 मिनट दम पे रखना है इसको हल्की आंच पे, ताकि हमारा भुट्टा अच्छी तरह अंदर तक गल जाए। दोबारा से आपने इसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपका पानी खुश्क हो जाए, जब आपने हल्की सी बोनी लगानी है। बोनी लगाने के बाद आपका भुट्टा रेडी है। अब आप ये सर्व कर सकती हैं। उम्मीद है मेरी बहनों को ये भुट्टा बनाने की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब आप ये सर्व कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।